व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल इंटरेस्टिंग और मुझे लग रहा है ये सच में हुआ ऐसा, क्योंकि लिखा है उर्वशी राउतेला से सॉरी टू ऋषभ पंत, ब्रैकेट में नेवर एंडिंग लव स्टोरी। सॉरी कह दिया, कुछ झोल होगा मेरे हिसाब से। धीरू मौंचिक भाई की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं धीरू मौंचिक चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं एक चीज कहूंगा, धीरू मौंचिक का जो मुझे एंगेजिंग वाला जो एनवायरनमेंट रहता है ना वीडियो के अंदर, जो मस्ती वाला, और भाई जो टॉन्ट करता है बीच में, मजा आता है। तो साथ में एंजॉय करते हैं। 1 2 3 एंड लेट्स गो। तो आरपी के लिए कोई मैसेज है आपको? नथिंग, सॉरी सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, डर गई, डर गई। ये लेटेस्ट ये भैया कोई होगी, देख लियो भी। पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। Hey guys, it's me, धीरू मौंचिक, and स्वागत है आपका नई वीडियो में। जोश देखियो। मेरी टांगों का चीर हड़ल हो जाता दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो अजय सर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। जुबा केसरी का दिन में 2 बार फ्लेक्सिबिलिटी तो खुद ही आ जाएगी नसों में। राइट। तो दोस्तों, क्या तुम्हें याद है अभी कुछ दिन पहले उर्वशी दीदी और ऋषभ पंत का जो है इलफड़ा हुआ था तगड़ा करके? याद ही होगा यार, अभी दिन ही कितने हुए हैं। तो इलफड़े के टाइम पे दीदी ने कहा था, मैं क्रिकेट विकेट नहीं देखती भाई, है ये क्या होता है। तो फाइट के बाद जैसे ही इंडिया का पहला मैच होता है, दीदी पहुंच जाती है देखने स्टेडियम। शर्म करो, भगवान से डरो। ये सब चीजें तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन जो चीज तुम्हें नहीं पता वो मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, कि भाई उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत को बीच फील्ड में दिखा दी मिडिल फिंगर, उधर से भाई ने दिखा दी उर्वशी रौतेला को मिडिल फिंगर। उर्वशी रौतेला जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ड्रेसिंग रूम के साइड वाली बालकनी पर बैठकर ही मैच देख रही थी, जहां पर वो सारे खिलाड़ियों का करीब से अभिवादन करते हुए नजर आई। जहां पर से उर्वशी रौतेला खड़े होकर मैच देख रही थी, वहां से सारे प्लेयर्स काफी नजदीक नजर आते हैं। ऋषभ पंत भी जानते थे कि उर्वशी रौतेला बालकनी पर ही खड़ी हुई हैं, इस वजह से वो डगआउट के आसपास कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन फिर भी स्मार्ट गाय, जिधर फालतू का किसी को अटेंशन चाहिए उधर अटेंशन नहीं देने का। मैच के दौरान एक मोमेंट ऐसा आया जब उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, और इस मोमेंट को देख कर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जैसे ही उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत को देखा, उन्होंने अपनी मिडिल फिंगर ऋषभ पंत को दिखा दी, जिसके जवाब में ऋषभ पंत भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी उर्वशी रौतेला को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी। और उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत की ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। स्पेशल कैमरा है ना जिसके अंदर कैद हुई है, वो इसी बंदे का लगा हुआ था। अच्छा, इसने ले ली फुटेज बढ़िया करके भाई, बाकी किसी को अगर खबर कुछ नहीं हुई। हम तो चिपके हैं, बैंकर फोटोशॉप देखो यार, लौंडे की ऐसे खड़े भाई ऋषभ भाई। ये तस्वीर ये दिखाती है कि दोनों एक दूसरे से अब कितनी नफरत करने लगे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। एकदम एकदम सही बोल रहे हो तुम भाई, नफरत करने लगे हैं यार। तुमने इस नफरत को दिखाया है दुनिया के सामने, एक सबूत बनता है भाई की न्यूज़ पे कोई भी संदेह नहीं करेगा। ट्रस्ट मी ब्रो, रियल है न्यूज़ कुछ भी। सो दोस्तों, एवरीवन नोस की उर्वशी जी जो है अटेंशन के लिए गई थी स्टेडियम, और उन्होंने जो लफड़ा शुरू किया था ये भी अटेंशन के लिए ही किया था। लेकिन दोस्तों, अभी पता मजे की बात क्या है, अभी उर्वशी दीदी जो है सॉरी बोल रही है, सॉरी। आरपी के लिए कोई मैसेज है आपको? लेकिन मैं आप थोड़ा सा घुमा रहे हो, मैं आपको डायरेक्टली सीधी बात पूछ रहा हूँ। सीधी बात, नो बकवास। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग एनी बकवास। शांत, एकदम शांत भाई, देख रहे तुम कहाँ तो ये बिन बात की बकवास करती रहती, और अभी बोल रही सीधी बात, नो बकवास। हमारे तू से पहुँचाना चाहोगे ऋषभ पंत? ऑल आई वांट टू से इज दैट, व्हाट डू आई से, नथिंग, सॉरी सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। बैंडर गई, बैंडर गई भाई। भाई तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया यार। घमंड? अबे मिस यूनिवर्स से सॉरी बुलवाया सालो, घमंड क्यों नहीं होगा? सॉरी। अरे यार ऋषभ भाई, प्यार मोहब्बत में छोटी मोटी टूट फूट तो होती रहती है यार। अब चलो जल्दी से इसे उससे व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दो। दोस्तों, आई फाउंड ओल्ड वीडियो ऑफ उर्वशी रौतेला, जहाँ पे वो अपने स्कूल में बहुत ही बढ़िया सा डांस कर रही है। मुझे भी पता है दोस्तों, उर्वशी रौतेला नहीं है, लेकिन इसको देख के मुझे उसकी याद आ गई भाई, पता नहीं।
दोस्तों यहाँ पे एक पक्षी उड़ने की तैयारी करता हुआ पूरी की पूरी हरा भाग की बातें भाग में करूंगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताओ ये पक्षी कौन सा है? शतुरमुर्ग, चिंगादड़, बाज? अरे पक्षी भी छोड़ो, ये बता दो डांस कौन सा है? ऐसा डांस तो भयंकर शराबी दारू पी के नहीं कर पाता जैसे कर रही है, एकदम कोट पैंट पहन के आ रही यार। हाई डांस के नाम पे जिंदा बबसीर फैला रखा है शतुरमुर्ग ने। लेकिन दोस्तों सैल्यूट है स्कूल की फैकल्टी को जिसने इसे परफॉर्म करने दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है, क्या नहीं पता। और आप कौन सा गुनाह कर दिया यार? इंडिया तो इंडिया, पाकिस्तान के लोग भी मुझे नहीं छोड़ रहे। और इसके बाद उर्वशी ने कहा आईएस बनूंगी, अब ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगा। आप कौन सी पिक्चर देखने आए? ब्रह्मशास्त्र। ब्रह्मशास्त्र, ब्रह्मशास्त्र देखने अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। और चीज को लेकर ब्रह्मास्त्र में लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं आलिया भट्ट को, कि भाई आलिया भट्ट सेट पे आती थी, चार बार शिवा चिल्लाती थी और घर जाकर सोच रही थी। हाँ मैंने भी बाद में पॉइंट आउट करा भाई, जब मीम मीम देखे ना यहाँ भाई यार पूरी पिक्चर में शिवा शिवा चिल्लाया इनने। शिवा तुम ठीक हो? शिवा 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 मैं भी तुम्हारे साथ मरने चलूंगी शिवा। एंड दोस्तों रिसेंटली भी आलिया भट्ट का ये कहना है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं उसको रणवीर को स्क्रीन पे साथ में देखने में, तो वो आगे भी पिक्चर बनाएंगे ऐसे ही। ठीक है बना लेना, लेकिन अगली पिक्चर में डायलॉग जरूर लिख लेना, प्लीज लिखवा लेना। तो मूवी की बात चली रही है तो एक और फनी बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। जैसे कि नेशनल सिनेमा डे होता है 16 सितंबर को, अभी इंस्टाग्राम रील पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर नहीं होते, वो फाइनेंस वाली जो नॉलेज वाली देते हैं, उन्होंने वीडियो बना दी कि अगर तुम इस दिन टिकट बुक करोगे तो तुम्हें 75 रुपए का पड़ेगा मात्र, 75। भाई लोग खुश कि हाँ पिक्चर देखने उसी दिन चले गए। लेकिन ये मूवी थिएटर वालों का जो एसोसिएशन होता है और चालू, उन्होंने भाई नेशनल सिनेमा डे ही पोस्टपोन कर दिया। नोएडा में लगा एक बंदे ने सड़क पे खड़ी हुई मर्सिडीज में आग, होता क्या ना कोई लेबर का बंदा होता है, शायद बंदा उसके पैसे वैसे नहीं दे रहा होगा या फिर उनका कोई झगड़ा वगड़ा होगा, उसके घर के आगे उसकी मर्सिडीज खड़ी होती है, वो लाके पेट्रोल उसमें छिड़क के उसमें आग लगा देता है। छिड़का भाई ने पेट्रोल, भाई पूरी के साथ और यार निकल लिया। चंद सेकंड में ही आग बुझ गई भाई, कुछ भी नहीं यार, वो आधा अधूरा काम करता है और कुछ नहीं भाई। तूने पहले भी कुछ आधा अधूरा ही किया होगा जिससे वो पैसे नहीं दे रहा तुझे, बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है। पता नहीं भाई यार किस जुर्म में, गाड़ी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, अरेस्ट करना बनता दो भाई। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं सिंपैथी दू तो दू किसे, मर्सिडीज वाले को या फिर इस बंदे को जिंदा आग लगाई थी। और मुझे पता है तुम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं टार्जन बन के आता, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, माफी माफी सरकार, माफी डार्लिंग। अरे मैं बताता यार, मैंने भी क्या कहता है जोगिंदर से मिलने गया था, वीडियो बनाया एक, अगर वो तुम चाहते हो मैं इस चैनल पे डाल दूं तो इस वीडियो पे कर दो 110,000 लाइक्स 24 घंटे के अंदर, तो मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। नहीं करोगे तो मैं मेरे व्लॉगिंग चैनल पे डाल दूंगा, तुम वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। धीरू मौची एक्स्ट्रा से बड़े संभल के मेरे हाथ मार रहा है, काम करना बंद कर देना, रोजी रोटी छिन जाएगी तेरी साले। सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगता है कि जो एडिटिंग रहती है, जो फास्ट पेस एडिटिंग वीडियो की, पहले बोलते एडिटिंग बहुत बढ़िया थी इसकी। बहुत टाइम बाद मैंने धीरू मौंची की वीडियो देखी जिसमें फुल ऑन एनर्जी थी, नहीं तो बीच में कुछ वीडियोस में मैंने एनर्जी लेवल तो मिडिल फिंगर वाला कहीं नहीं देखा, मैंने पहली बार देखा इसके चैनल पे। नहीं मैंने तो कुछ टाइम से मैं धीरू मौंची की वीडियोस में थोड़ी एनर्जी कम देख रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा वो माइंड पे भी रहता है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक भी पड़ गई थी और चैनल हैक हो गया था थोड़ा सा, तो एक क्रिएटर के माइंड में थोड़ा सा रहता है। लेकिन आज की वीडियो में भाई साहब पूरी एनर्जी, जिस तरीके से वो स्प्लिट करने की कोशिश थी और देखा लापरवाही का नतीजा, सही जगह पे सही में बैठे थे, लेकिन भाई वो मतलब पैसे नहीं मिल रहे, पुलिस कंप्लेन एफआईआर कर देते जाके गाड़ी पे आग लगा रहा है वही तो। हाँ, ये देख ले कह रहा हूँ उससे वो काम भी ढंग से नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन भैया मत करो ऐसे, अपना लीगल वे में जाओ अगर वो चीज़ दिक्कत, और बाकी
ब्रह्मास्त्र का क्या, ब्रह्मशास्त्र, रविशास्त्री, रविशास्त्र, रविशास्त्र, वहां पर रविशास्त्री 2D 3D में चल रहा। कब 16 सितंबर को होता है वो पोस्टपोन, आज आज है ना 16 सितंबर, उन्होंने पोस्टपोन ही कर दिया, पता था 75 की मिल रही, हम भी आज ही चल जाते हैं वो डेट पोस्टपोन कर दिया। बाकी वीडियो मस्ती से भरपूर थी, और मेरे को ये नहीं पता कि वो क्लिप पुरानी है नहीं है, वो सॉरी वाली जो है अब की होगी, अब की होगी। बाकी चलो ठीक है, वो उनका मैटर है, लेकिन अगर पब्लिकली कुछ भी हो रहा है तो नो डाउट पब्लिक अपनी टिप्पणी करती है, और वो भी एक फन वे में कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ। फन ही है यार जो पब्लिक हाँ। में जो जिस तरीके से स्माइल करते हो, सॉरी कभी कुछ की, मैं क्रिकेट नहीं देखती, वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को कई बार वो लगते हैं कि फिर क्रिकेट भी देखना। और अगर सबसे बड़ी बात कर जाए, वो भाई ने क्या एडिट करी वीडियो। हाँ वो मैं वही तो बोल रही थी, इसने ना उर्वशी ने एक वीडियो शेयर की थी अपने उस पे इंस्टाग्राम पे, मैं स्क्रॉल कर रही थी तब आया था कुछ ऐसे कि ऐसे करके क्लैप कर रही थी, तो उधर से विराट कोहली जब आ रहा था तब की है वो, तब की है, ऋषभ पंत था भी नहीं उसमें, ऋषभ पंत नहीं था, और वो ऐसे करके बैक दिखा रहा था नीचे ऊपर नहीं ऐसे शायद कुछ एडिट कर दिया, तो ऐसे कर दीजिए हल्का सा ब्लर कर दिया ना। तो इस वीडियो का मतलब था सिर्फ एंटरटेनमेंट, और आई एम श्योर आप लोग एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखेंगे, मस्ती मजाक होती है, कॉमेडी मिलो, बाकी जुड़े रहिए मुस्कुराते रहिए, और वीडियो शेयर करना भूलें, बाय, टेक केयर।